सो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी अब ये कौन सी एबिलिटी है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे ले सकते हैं पैथोजेंस तो ये होस्ट की एबिलिटी है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की वो हमारी क्या कहलाएगी इम्यूनिटी कहलाएगी अब इम्यूनिटी भी हमारी दो टाइप की होती है कौन कौन से दो टाइप की होगी एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड हो जाएगी पैसिव ओके okay. अब यहाँ पे एक्टिव देखें दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओके okay. तो जब हम होस्ट को एक्सपोज कराते हैं एंटीजन से तो ये जो एंटीजन है ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और इन एंटीजन के में, के में बॉडी अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, है। प्रोड्यूस होंगी इन द होस्ट बॉडी दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होगी एक्टिव इम्यूनिटी जर्नली क्या होती है स्लो होती है और ये टाइम लेगी रिस्पॉन्स को देने में एग्जाम्पल ले हम एक्टिव इम्यूनिटी का जैसे कि हम इंजेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को डेलिब्रेटली ड्यूरिंग इम्युनाइजेशन या वैक्सीनेशन के द्वारा हम माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर देन उन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है एंटीबॉडीज बनती हैं ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होगी सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी लें हम यहाँ पे अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी तो मेन जो डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर तो क्या होता था जो बॉडी थी जो एंटीबॉडी थी वो बॉडी के अंदर जाकर बनती थी लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर यहां पर होस्ट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली होस्ट होस्ट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारा मेन डिफरेंस है इस टाइप की इम्यूनिटी हमारी पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी अब इसका एक एग्जाम्पल लें हम यहाँ पे तो आफ्टर डिलीवरी जो ड्यूरिंग इनिशियल डेज इनिशियल डेज जो मिल्क आता है वो क्या होगा कोलोस्ट्रोम होगा ओके इनिशियल डेज के दौरान जो मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रोल होगा यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडीज मेनली प्रेजेंट होती है वो आई जी ए टाइप की एंटीबॉडी होती है कहाँ पर एंटर करेगी इन्फेंट के अंदर मतलब बॉडी के अंदर तो डायरेक्टली जो एंटीबॉडी है वो होस्ट के अंदर जाती है ना कि एंटीजन से हम उसको एक्सपोज कराते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडीज जाती हैं होस्ट बॉडी के अंदर तो ये हमारा एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का ओके थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर